कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भौतिक सब्जेक्ट के अध्याय 5 से आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं अध्याय 5 को। तो अध्याय 5 में क्या दिया है? गति के नियम दिया हुआ है। अब गति के कितने नियम होते हैं पता है ना? 3 नियम। चलो आगे बात करेंगे इसके बारे में। पहला प्रश्न देखो, अति लघुतरी प्रश्न क्रमांक पहला, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? ये जड़त्व जो है ना, गति के प्रथम नियम को कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहते हैं? जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी तब तक के जब तक के उस पर कोई बाह्य बल ना लगा लिया, या गत्यावस्था में है तो तब तक के गत्यावस्था में रहेगा जब तक के उसे रोकने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही होता है, ये जड़त्व के नियम होता है। ठीक है, यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम या जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और चार्ज उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जो धूल है वो झड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। कंबल को छड़ी से पीटने पर वह भाग एकाएक गति में आ जाता है। ठीक है, गति में आ जाता है, किंतु विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण विरामावस्था में ही रह जाते हैं। अतः कंबल का वह भाग धूल के कण को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जिससे धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या कारण है कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़कर आते हैं? ठीक है, तो दौड़कर आने से क्या होता है? दौड़कर आने से उसमें क्या होता है, जड़त्व तो लागू हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो, गति के जड़त्व तो अधिक दूरी तक कूदने में खिलाड़ी को सहायता मिलती है। ठीक है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, दौड़कर पहले आते हैं, उसके बाद छलांग लगाते हैं। चौथा प्रश्न, जब एक पत्थर को कांच से कांच की खिड़की पर मारा जाता है तो कांच कांच को तोड़ देता है, परंतु जब बंदूक की गोली मतलब उसी खिड़की पे दागी जाती है तो वहां पर सिर्फ एक छेद होता है, कह रहा है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है विराम के जड़त्व। ठीक है, आगे देखते हैं। जब खड़ी हुई बस अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं, क्यों? ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछा हुआ है, मतलब ये सब एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल का उत्तर ही हमें बताना है। तो क्यों ऐसा होता है? देखो, जब खड़ी हुई बस अचानक चल पड़ती है तो बस के साथ साथ उसमें बैठे यात्री के शरीर का निचला हिस्सा भी चल पड़ता है, किंतु शरीर के जो ऊपरी भाग है जड़त्व के कारण क्या रहता है, विराम अवस्था में रहता है। ठीक है, विराम अवस्था में रहता है, और अचानक जब बस आगे की ओर जाएगा तो शरीर क्या होता है, पीछे की ओर झुकने लगता है, या पीछे की ओर जो यात्री खड़े हैं वो गिरने लगता है। ठीक है, इसी वजह से बल क्या है इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो बल किसे कहते हैं? बल ऐसी भौतिक राशि होता है जो किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के कुछ परिवर्तन के लिए पर्याप्त होती है। अर्थात बल वह धकेल अथवा खींच है जिससे वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जा सकता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? तो बल के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? तो बल का 3 प्रभाव होता है। पहला है स्थिर स्थित वस्तु में गति उत्पन्न करना, दूसरा है गतिमान वस्तु की चाल बदलना या गति की दिशा बदलना, अथवा चाल व गति की दिशा दोनों बदलना, और तीसरा जो है वह है वस्तु का आकार व आकृति बदलना। फिर गति के प्रथम नियम में आते हैं। ठीक है, जिसे हम विरामावस्था का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के नियम कहते हैं। तो इन 3 अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसे मैंने पहले ही बता दिया था पहला प्रश्न में, तो और आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा, संवेग की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक तथा विमी सूत्र क्या है? संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग v हो तो संवेग क्या होगा? इसे p से दर्शाया जाता है, p बराबर m v। देखो, दोनों गुणनफल है m और v। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के गुणा के बराबर कौन है? वेग ना, तो गुणा के बराबर इसका एसआई मात्रा किलोमीटर प्रति सेकेंड, तथा विमी सूत्र MLT-1 है। अब देखो न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, तो इसे हम बल का नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? बल का, याद रखना ना, बल का नियम या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। किसी गतिमान वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर मतलब परिवर्तन की जो दर होता है, देखो कोई वस्तु गतिमान है,
ठीक है, तो गतिमान वस्तु पर संवेग पर अगर परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन की दर पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, मतलब जिस दिशा में बल काम करेगा उसी दिशा में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम भी लगेगा। समझो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे देखते हैं, एसआई पद्धति में बल तथा संवेग का मात्रक लिखिए। तो बल का मात्रक न्यूटन तथा संवेग का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक दीवार पर समान द्रव्यमान तथा समान वेग से भारी भारी से लोहे पत्थर मिट्टी तथा टेनिस की गेंद मारी जाए तो किससे सबसे अधिक बल दीवार पर लगेगा, किससे लगेगा? तो सिर्फ पूछा है ना, तो टेनिस की गेंद से, तो उत्तर में सिर्फ टेनिस की गेंद लेना है। आगे देखते हैं, आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आवेग, जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। सूत्र के रूप में बल का आवेग बराबर बल गुणित समय अंतराल, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकेंड है। इसके बाद देखो 14वां प्रश्न, 1 किलोग्राम भार किसे कहते हैं, इसे न्यूटन में व्यक्त कीजिए। 1 किलोग्राम भार बल का गुरुत्वीय मात्रक है। 1 किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है। 1 किलोग्राम भार बराबर किलोग्राम गुणित जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर जी किलोग्राम मीटर अपान प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 8 न्यूटन बराबर 9.81 न्यूटन। पृथ्वी सतह पर जी बराबर 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अतः 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 न्यूटन होगा। 15वां प्रश्न है, एक वस्तु किसी समय समतल पर एक समान वेग से गतिमान है, उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? तो परिणामी बल कितना होगा? तो परिणामी बल जो है ना शून्य होगा। यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया शून्य है क्योंकि वह वस्तु का वेग एक समान है, अर्थात त्वरण का मान शून्य होगा। न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम निर्गमित कीजिए कह रहा है। तो देखो द्वितीय नियम क्या होता है, बल का नियम मैंने बताया था ना, बल का नियम, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो त्वरण जब निकालेंगे तो बल अपान द्रव्यमान हो जाएगा, तो बल शून्य और त्वरण भी शून्य रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अब बन गया, क्या बन गया, गति के प्रथम नियम बन गया। ठीक है, जिसे हम जड़त्व के नियम कहते हैं। इसके बाद देखो 17वां प्रश्न, समझाइए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ही सभी नियमों का सार है। तो उत्तर क्या लिखना है, देखो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से गति के प्रथम नियम और तृतीय नियम प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए गति के द्वितीय नियम को मूलभूत नियम या सभी नियमों का सार कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीय नियम जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है वही नियम, और जिसकी परिभाषा भी बहुत कम लोगों को पता होता है, उसी को ही सभी का सार बताया। देखो बहुत अजीब लग रहा है ना, द्वितीय नियम को अगर पूछता पहला नियम तो खट से बता दिया जाता है, जब तीसरा नियम पूछा जाता है तो भी खट से बता दिया जाता है, लेकिन द्वितीय नियम को इतनी आसानी से कोई नहीं बता सकता, ना उसे याद रखते हैं ना तो बता सकते हैं, और वही नियम यहाँ पे सार कह रहा है, अजीब बात है। चलो आगे देखते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए तथा उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो द्वितीय नियम, तृतीय नियम क्या है, तो तृतीय नियम का मैं ऐसे ही बता देता हूँ, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया ही क्या कहलाता है, गति के तृतीय नियम कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल देके बताना है ना, तो अब डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रख दिया गया है। ठीक है, तो टेबल जो है ना ऊपर की ओर बल लगा रहा है और पुस्तक जो है ना वो नीचे की ओर बल लगा रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं, यही क्या कहलाता है, गति के तृतीय नियम कहलाता है। बस यही तो इसका आंसर है। इसके बाद 19वां देखो, जब कोई वस्तु नाव से जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलने लगता है, क्यों? ये सेम बस वाला प्रश्न जैसा है। बस में क्या होता था, बस जब अचानक एकाएक चलने लगता है, ठीक है, एकाएक चलने लगता है या चलती हुई बस अचानक रोक दिया जाता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो सेम वैसा ही अगर नाव चल रहा है तो अचानक आप क्या करोगे, कूदोगे, तो क्या होगा, जो नाव है वो पीछे की ओर चला जाएगा,
जाएगा ना। तो क्यों ऐसा होता है? तो इसका एक कारण है कि नाव गति अवस्था में है और जो व्यक्ति है वो विराम अवस्था में है, इसीलिए नाव पीछे की ओर चला जाता है और व्यक्ति, एक सेकंड से यहाँ पे उल्टा हो रहा है, व्यक्ति गति अवस्था में आ जाता है और नाव क्या है, विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, इसीलिए पीछे की ओर चला जाता है। याद रखना ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो रहा है क्योंकि व्यक्ति कूद रहा है तो क्या हो रहा है, गति अवस्था में आ रहा है और नाव जो है विराम अवस्था में, इसलिए नाव पीछे की ओर चला जाता है। बस का भी आपको पता चल गया, बस किस अवस्था में था, गति अवस्था में था। जब बस को विराम अवस्था में लाते हैं तो शरीर गति अवस्था में हो जाता है, इसीलिए जो खड़े हुए व्यक्ति है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। समझ में आ गया बस में? चलो आगे देखते हैं। एक घोड़ा शून्य आकार में न तो गाड़ी खींच सकता है और न ही दौड़ सकता है, क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा, पढ़ के देखते हैं। देखो, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय पृथ्वी को अपने खुरों से दबा, एक सेकंड, क्या है, पृथ्वी को अपने खुरों से दबाता है, फलस्वरूप पृथ्वी प्रतिक्रियात्मक बल लगाती है जिसके कारण घोड़ा आगे बढ़ता है। शून्य आकाश में प्रतिक्रियात्मक बल उपलब्ध न होने के कारण घोड़ा ना तो गाड़ी खींच सकता है और ना ही दौड़ सकता है। ठीक है, तो आकाश की बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आकाश में ना हम चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए आकाश में ऐसा कोई जमीन वाला हिस्सा तो नहीं है, इसलिए ये आकाश में नहीं होता है, कह रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे गिर पड़ता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है, देखो, कुएं से पानी खींचते समय आदमी रस्सी पर जितना बल लगाता है, रस्सी भी उतना ही बल, ठीक है, पीछे मतलब अपने साइड लगाते हैं, मतलब तीसरा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नियम लागू हो रहा है, इसीलिए रस्सी टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। बाईसवां प्रश्न, बंदूक से गोली दागने पर बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्के का अनुभव होता है, क्यों होता है? तो इसका कारण आपको पता होगा, नहीं पता है तो चलो बता देता हूँ। देखो, बंदूक से जितना बल गोली पर लगाते हैं ना, उतना ही बल पीछे की ओर भी लगता है, मतलब गति का तृतीय नियम लागू हो रहा है। अब तृतीय नियम का मतलब आपको पता चल गया, बराबर बराबर बल लगाना ही गति का तृतीय नियम होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, पीछे की ओर धक्के का अनुभव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब नाव पर सवार व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो वह नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाता है, क्यों? इसको हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। जब कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो, एक मिनट, क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया संरक्षण नियम पूरा पढ़ लेते हैं, तो उसका संवेग घटता है फिर बढ़ता है, क्या इस प्रक्रिया में संरक्षण नियम का उल्लंघन होता है? तो देखते हैं, नहीं, चूंकि गेंद तथा पृथ्वी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। 25वां प्रश्न, दो समान द्रव्यमान दोनों व्यक्ति, ऐसे प्रश्न नहीं आते, छोड़ दो इसको। इसके बाद देखो यहाँ पे घर्षण में आते हैं। घर्षण से आप क्या समझते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल क्या होता है, जब विरोध करता है ना, गति का विरोध करना ही घर्षण कहलाता है, याद रखना, क्या करना, विरोध करना। तो घर्षण बल क्या होगा, गति का अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसी को हम घर्षण बल या घर्षण कहते हैं, इतना कम से कम याद रहेगा, बिल्कुल। चलो, घर्षण की उत्पत्ति का कारण बताइए, ऐसी आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो, दो वस्तुओं को गति कराते हैं और दोनों एक दूसरे में जब आपस में टकराते हैं तो घर्षण उत्पन्न होने लगता है, घर्षण उत्पन्न होने के कारण वो वस्तु क्या होता है, रुकने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण की उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका उत्तर लगा है, आप लोग एक बार देख लेना, मैंने जो बताया वो अपने हिसाब से बताया है, ठीक है, बुक का उत्तर ये रहा। चलो आगे देखते हैं, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? एक वस्तु दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर ठीक गति करने की स्थिति में होती है, दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने पर अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसके बाद घर्षण कोण और विराम कोण की परिभाषा कह रहा है, क्या होता है भाई घर्षण कोण? सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया की परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। विराम कोण, जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो नत समतल का क्षैतिज व झुकाव विराम कोण कहलाता है। इसके बाद सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? जब एक पिंड के ऊपर दूसरा पिंड फिसलता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य
कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। तीसरा है बेलन घर्षण किसे कहते हैं, सर्पी घर्षण से यह कम होता है या अधिक। उत्तर क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे जब एक पिंड दूसरे पिंड के तल पर घूमता है या घूमने का प्रयास करता है तब दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को बेलन घर्षण कहते हैं। बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है। घर्षण को कम करने के लिए बाल बायरिंग का उपयोग किया जाता है क्यों, ठीक है उत्तर क्या बताना है। बाल बायरिंग का उपयोग करने से सर्पी घर्षण बेलन घर्षण में परिवर्तित हो जाता है जिसका मान बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। अभी तक हमने सिर्फ अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखा है ना, अब लघुत्तरी में आते हैं। देखो यहाँ पे जड़त्व का नियम, विराम का जड़त्व, अब इसके बारे में एग्जाम्पल बताना। देखो जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार के होता है। तो जड़त्व जो है ये क्या कहता है, जड़त्व कहता है कि किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गत्वावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ है उसको जड़त्व कहते हैं, ठीक है। दो जड़त्व होता है, एक विराम जड़त्व, एक गति जड़त्व। विराम के जड़त्व की परिभाषा क्या होगा मैं ऐसी बता देता हूँ। विराम के जड़त्व, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। सेम वही है, कोई वस्तु गति में है तो तब तक गति में रहेगा जब तक के उसको रोकने के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोनों की परिभाषा आपको पता चल गया। अब दोनों के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक। जब खड़ी हुई बस अचानक चल पड़ती है तो यात्री के शरीर के नीचे का भाग गतिशील हो जाता है किंतु ऊपर का भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहता है, उससे बैठे यात्री जो है पीछे की ओर गिरने लगता है। और गति वाला, ब्रेक लगाने वाला अचानक, ठीक है अचानक ब्रेक वाला एग्जाम्पल इसके लिए ले लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि समान वेग गतिशील गतिमान भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। देखो मान लो भारी वस्तु का द्रव्यमान m है और हल्की वस्तु को मैं स्मॉल m से दर्शाता हूँ, तो क्या होगा, दोनों वस्तुओं का जो वेग है इसको हम v से दर्शाएंगे। तो भारी वस्तु का संवेग और हल्की वस्तु के संवेग निकाले तो p1 और इसको p2 से दर्शाएंगे, ठीक है। लेकिन वेग दोनों में सेम रहेगा, इसमें बड़ा उसमें छोटा है। अब दोनों के समीकरणों को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो p1 अपान p2 v कट गया, m अपान स्मॉल m आ जाएगा यहाँ पे। तो m बड़ा, m जो है बड़ा है छोटे m से, तो p1 का मान बड़ा m था इसलिए p1 बड़ा रहेगा p2 से। यही क्या है, भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। तीसरा प्रश्न देखो, सिद्ध कीजिए कि यदि दो वस्तुओं का संवेग समान हो तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। उत्तर क्या लिखोगे, मान लो भारी वस्तु का द्रव्यमान m तथा हल्की वस्तु का द्रव्यमान m, यदि भारी वस्तु का वेग v और हल्की वस्तु का वेग v। यहाँ पे देखो इस बार वेग और द्रव्यमान दोनों चेंज हो रहा है ना, स्मॉल और बड़ा में चेंज हो रहा है, और p1 p2 भी चेंज होगा। तो p1 बराबर p2 दोनों की तुलना कर देते हैं, दोनों कटेगा तो नहीं, लेकिन m बड़े m के नीचे में छोटा m आ जाएगा और छोटे v के नीचे में बड़े v आ जाएगा इस तरह से। तो बड़ा m बड़ा है और छोटा v बड़ा है, ठीक है, क्योंकि बड़ा m का बराबर छोटा v है और छोटे m के बराबर बड़ा v है। तो बड़ा m बड़ा रहेगा छोटे m से, छोटा v बड़ा रहेगा बड़े v से। तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है कह रहे हैं। चौथा प्रश्न, न्यूटन के गति के नियमों को लिखिए। न्यूटन के गति के तीन नियम हैं। प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व के नियम कहते हैं, जड़त्व के नियम क्या होता है मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। उत्तर भी लगा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। पहला नियम है गति के प्रथम नियम, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगा तब तक के जब तक के उसे रोकने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और जो वस्तु गतिशील है वो तब तक गतिशील रहेगा जब तक के उसे रोकने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। दोनों में मैं एक ही बोल दिया हूँ, थोड़ा सा आप चेंज कर लेना इसको, आगे पीछे कर लेना, ठीक है। इसके बाद द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम होता है संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती को क्या कहते हैं, गति के द्वितीय नियम या फिर बल का नियम कहते हैं। तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रतिक्रिया को तृतीय नियम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा तीनों नियम, चलो आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के नियम
क्या है, इसके द्वारा जड़त्व तथा बल को परिभाषित कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया है, वही प्रश्न ये भी है, ठीक है, इसका भी उत्तर सेम टू सेम रहेगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न में क्या दिया है, छठवां प्रश्न में दिया है बल का आवेग क्या है, सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग परिवर्तन में परिवर्तन के बराबर होता है। तो पहले तो बल का आवेग की परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। जैसे कि बल के आवेग का परिभाषा कैसे बना है, बल का आवेग बराबर बल गुणित समय अंतराल, इस तरह से। अब संवेग में परिवर्तन की दर बताना है, मतलब गणितीय सूत्र अब लगेगा। तो देखो गणितीय सूत्र इस तरह से, छोटा m डेल्टी और यहाँ पे f का उपयोग हुआ है। अब कैसे उपयोग करना है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उपयोग करना है, इस तरह से f बराबर एम ए। तो एम ए मान रख दो, a का, a जो है त्वरण है, त्वरण का मान क्या होगा, डेल v अपान डेल टी, ये होगा। डेल को बाहर लगा लो और एम को अंदर ले जाओ, ठीक है, इस तरह से। तो ये एम वी जो है ये पी के बराबर होता है, संवेग के बराबर। तो यहाँ पे आपको एम वी के जगह में पी रख देना है, इस तरह से। फिर इसको तिरिया गुणा करके यहाँ पे और इसको ऐसे कर देंगे, तो अतः बल का आवेग संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, इस तरह से। अब क्या कह रहा है, आवेग में देखो प्रमेय की कथन लिखना है, अब आवेग के लिए बताना है इसे, ये दूसरा प्रश्न है। तो इसमें उत्तर क्या लिखोगे, किसी बल का आवेग उस बल के कारण संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, इस आवेग संवेग का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार यदि पिंड का संवेग में परिवर्तन नियत है तो उसका आवेग भी नियत होगा, जैसे J बराबर P2 माइनस P1। अर्थात यदि किसी पिंड में समान आवेग उत्पन्न करने के लिए उस पर बल F1 F2 अलग अलग क्रमशः T1 T2 समय के लिए लगाए जाते हैं तो F1 T1 बराबर F2 T2, ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर बन गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है। नॉर्मली उत्तर आपको देना है, कोई भी गणितीय कथन के साथ आपको नहीं देना है, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो करने का कारण है कि अपने हाथ को चोट से बचाने के लिए पीछे की ओर खींच लिया जाता है, ठीक है, बस इतना ही आपको इसका उत्तर में देना है और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है। पक्के फर्श पर कूदने से बहुत चोट लगती है जबकि रेत पर नहीं, ऐसा क्यों, इसका भी उत्तर मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, नॉर्मली आपको बता देता हूँ। देखो जब हम फर्श पर उतते हैं तो तुरंत क्या होता है, विरामावस्था में आ जाते हैं, ठीक है, विरामावस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो इसका मान है वो कम होता है, इसी वजह से जो एफ का मान है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बल जो है वो बढ़ जाता है। और बल बढ़ने के कारण क्या होता है, जो रेत है या फिर जो भूसे है उसमें जब हम कूदते हैं तो वहां पे हम धस जाते हैं, इसी वजह से हमें चोट नहीं आती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सी को देखो, कांच के बर्तनों की पैकिंग में घास फूस क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टूटने से बचाने के लिए, इसका सिंपल सा उत्तर है, टूटने से बचाने के लिए। इसके बाद देखो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो उत्तर क्या लिखना है, या दूसरा नाम इस तरह से भी दिया रह सकता है ना, देखते हैं। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। अब यहाँ पे देखो सेम आते हैं, वैसी प्रश्न है, यहाँ पे लगा है एफ बल, डेल टी समय अंतराल है, डेल पी संवेग है, पी से संवेग को दर्शाते हैं ना, तो न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है, सेकेंड लॉ, ठीक है, द्वितीय नियम। तो एफ बराबर डेल पी अपान डेल टी, और ये एफ का मान अगर शून्य कर दोगे तो डेल पी अपान डेल टी आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ का मान शून्य किया तो डेल टी का मान भी शून्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तिरिया गुणा जाके शून्य कर देगा, तो डेल पी का मान भी शून्य, अर्थात यह एक नीतांक ही बनेगा। चलो आगे देखते हैं, नौवां प्रश्न देखो, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखे तथा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो कण निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। उत्तर क्या लिखोगे, दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। तो देखो मैं आपको सेम टू सेम वैसे ही बताता हूँ जैसे कि अभी बताया हूँ ना, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए इस बार। तो यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं, देखो P1 इस बार दिया है, F12 दिया है, और इसको बदल के ना दूसरे समीकरण के 2-1 कर दिया है, ठीक है। तो इसे आप
वन रख सकते हो और टू भी कर सकते हो। तो ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, देखो यहां से आपको समझ में आएगा। अब दोनों समीकरणों की क्या कर दिया है, तुलना कर दिया है। तुलना करेंगे तो देखो एक दूसरे का मान ये माइनस में है 21, और 12 12 जो है वो प्लस में है। इस तरह से इसको इस पार ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर डेल उभयनिष्ठ हो गया, P1 प्लस P2 जोड़ देंगे, इस तरह से जुड़ गया। और P1 प्लस P2 क्या है, एक नीतांक है, क्योंकि इस पूरे का मान इसके बराबर आ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है उसे नीतांक मान लेना है। इसी तरह से 10वां प्रश्न भी हल होगा, क्योंकि यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से गति के तृतीय नियम को निगमित कीजिए कह रहा है। तो ये भी सोल्यूशन जो है ना सेम टू सेम है, अलग नहीं है। मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ, यहाँ तक देख लो, ठीक है। डेल कहाँ तक, यहाँ तक देखो, डेल P1 अपान P2 एक नीतांक है, और यहाँ पे देखो ये भी एक नीतांक है, इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा हल बाकी है, पूरा उल्टा प्रक्रिया हो रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न में देखो ये रहा, माइनस में आ गया, इस तरह से हल होगा। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, सीमांत घर्षण से आप क्या क्या अभिप्राय है, घर्षण के नियम लिखिए कह रहा है, ठीक है। इसका उत्तर आपको मैं दिखा देता हूँ, स्थैतिक घर्षण के नियम भी कहते हैं इसे। तो इसका उत्तर आप लोग देख लो, जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है और पहला पिंड ठीक चलने को तैयार होता है, तो इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। सीमांत संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है, ठीक है। अब स्थैतिक और सीमांत घर्षण के नियम बताना है, तो देखो यहाँ पे कम से कम आपको चार नियम लिखने हैं, कम से कम, ठीक है। जब दीर्घोत्तरी हो तो, और तीन नंबर का होगा तो आपको सिर्फ तीन ही लिखना है, ठीक है, यहाँ तक के आप लिख सकते हो। चलो आगे दिखाता हूँ, घर्षण कोण, यहाँ पे देखो घर्षण कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्जा घर्षण गुणांक के बराबर होती है। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं, जैसे कि चित्र में क्षैतिज तल पर एक गुटका रखा हुआ है, गुटके पर क्षैतिज के समांतर एक बल एफ लगाया गया जिससे गुटका सीमांत संतुलन की स्थिति में है। इस स्थिति में गुटके पर चार बल कार्य करता है। तो अब चार बल मतलब चार नियम, ठीक है। तो चारों बलों का नाम बस आपको लिखना है, ये चार बल, यहाँ पे देखो गुटके का भार ऊर्ध्वाधर नीचियों की ओर, दूसरा तल की अभिलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तीसरा बाह्य क्षैतिज बल एफ, और सीमांत घर्षण बल बाह्य बल के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये चारों नियम आपको लिखने थे। चलो आगे देखते हैं, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला कुछ हिस्सा है, ये सॉल्यूशन बस है और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन क्या है तब आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे देखो 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न में क्या दिया है, मोड़ पर साइकिल सवार मोड़ की दिशा में अपने आप को झुका लेता है, क्यों समझाइए, ठीक है। तो इसको तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके अलावा एक दो और ये तीन, ठीक है। तीनों नाम को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। अब चलो इसका उत्तर दिखाता हूँ, ये रहा इसका उत्तर, देखो। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मोड़ को पार करता है तो वह मोड़ की ओर थोड़ा सा झुककर चलता है ताकि मोड़ को सुरक्षित ढंग से पार कर सके, ठीक है। सुरक्षित ढंग से पार करने के लिए साइकिल को झुका के चलाता है, ये कह रहा है। अब इसका उत्तर देख लो यहाँ तक के, ठीक है। और इसका गणितीय व्यंजक भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये रहा इसका गणितीय व्यंजक, ठीक है, यहाँ तक के है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्जा घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो विराम कोण वही वाला जड़त्व का नियम वाला पूरा आप लिख सकते हो यहाँ पे टॉपिक, ठीक है। इसका उत्तर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है जो गणितीय व्यंजक है, ठीक है, ये और ये दोनों है इसी का हिस्सा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न में दिया है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण किसे कहते हैं, उनमें अंतर लिखिए। तो सर्पी और बेलन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सर्पी घर्षण क्या होता है, एक तो जिग जैक वाला रहता है, कुछ निशान देखो ऐसी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे चित्र नहीं बना, ऐसे कुछ, ये होता है सर्पी घर्षण, ठीक है। और बेलन घर्षण क्या होता है, बेलन घर्षण गोल गोल होता है ना, तो उसे हम बेलन घर्षण कहते हैं, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ इसका उत्तर, देख लो ये रहा दोनों में अंतर। अब 16वां प्रश्न दिखाता हूँ,
प्रश्न सिद्ध कीजिए कि रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, क्यों कह रहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। अब दीर्घोत्तरी देखो, तो एफ बराबर एम ए वाला है, मतलब त्वरण वाला। ठीक है, चलो इसको दिखाता हूँ। इसको और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रश्न में इसके अलावा ये नाम भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी नाम, ये ठीक है, ये नाम को उपयोग किया जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे गति के द्वितीय नियम का उपयोग करना है, ये द्वितीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम की परिभाषा पहले लिखना है। किसी गतिमान वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। इसके बाद इसको हल करना है। तो देखो, P1 mu इस तरह से लगाना है, P2 mv हल कर दोगे, इन दोनों के मान को रखो, P2 में P1 को घटा दोगे, तो यहाँ पे डेल P का मान आ जाएगा, m डेल V आ जाएगा। अब संवेग परिवर्तन की दर करोगे तो डेल P अपॉन डेल T इस तरह से, तो ये मान प्राप्त होगा, त्वरण का मान इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद संवेग परिवर्तन की दर एम ए वेक्टर, और इस तरह से हल करोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एफ अपान के, एफ इक्वल के एम ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रूफ भी देना होता है, तो प्रूफ वाला यहाँ पे दिया है। ठीक है, और बल को हम क्या कहते हैं? बल के लिए कहते हैं न्यूटन से इसे दर्शाते हैं। ठीक है, विमी सूत्र, बाकी चीज जानते हो ना, तो वही चीज है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे विमी सूत्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर बन रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, किसी वृत्ति मोड़ पर गतिशील वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि घर्षण शून्य है, सड़क समतल है, सड़क बंकित है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, इसको पूरा का पूरा आपको पढ़ने लेना है, ज्यादा टफ नहीं है, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाया वैसे ही ये भी उतना ही आसान है मान लो। ठीक है, और चलो इसका आधा हिस्सा मैं दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चित्र तक के हो गया। चित्र के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से लेकर, देखो यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब थोड़ा सा और बचा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और है थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये दोनों भी कंप्लीट हो गया। अब अंतिम प्रश्न देखो, ये है अंतिम प्रश्न, तीसरा ऊर्ध्वाधर वृत्त वाला है। ठीक है, उच्च बिंदु पर वेग कह रहा है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तीसरा इसका एक चित्र देखो, ये मिल गया, दूसरा चित्र दिखाता हूँ ये वाला। ठीक है, दोनों चित्र आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है और कुछ हिस्सा यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद निम्नतम बिंदु पर वेग से दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ तक के, तो यहाँ तक के ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतने ही प्रश्न इसमें IMP थे, इसके अलावा और आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है।